हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्टडी यूनिवर्स। एस्टेटिक जीके के इस वीडियो में आपका स्वागत है, जिसमें हम जानेंगे मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं या वन लाइनर हैं उनके बारे में। ये वीडियो आपके सभी प्रतियोगी परीक्षाओं यानी सभी ऑल कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है, जैसे चाहे वो SSC का एग्जाम हो, रेलवे का हो, बैंक का हो, या स्टेट का कोई एग्जाम हो, या डेली पुलिस का कोई एग्जाम हो, हर एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। दोस्तों, इस वीडियो को सबसे अच्छी बात यह है कि इसको बहुत शॉर्ट तरीके से बनाया गया है, ताकि आप एग्जाम से जाने से पहले अगर पूरे वीडियो स्टेट वाइज देख लेते हैं, जो करीब करीब 14 या 15 वीडियो होंगे, तो आपके हर एग्जाम में ऐसा कोई भी एग्जाम नहीं होगा जहां से यहां से ना पूछा जाए। और यहां से मैंने इतने सारे फैक्ट कवर किए हैं जो आपके हर एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों, बिना समय गवाए चलते हैं, बात करते हैं मध्य प्रदेश के बारे में। तो दोस्तों, ये लोकेशन आप देख पा रहे होंगे भारत के मैप में मध्य प्रदेश की है। मैं आपको रफ करके बता दूं कि इसकी सीमा या मध्य प्रदेश की सीमा किस किस राज्य से लगती है। तो सबसे पहले बात करते हैं उत्तर प्रदेश की, इसकी सीमा लगती है इस तरफ से, छत्तीसगढ़ से सीमा लगती है, यहाँ से महाराष्ट्र से सीमा लगती है, यहाँ से गुजरात से मध्य प्रदेश की सीमा साझा होती है, और राजस्थान की सीमा इस तरफ से मध्य प्रदेश के साथ साझा होती है। दोस्तों, आप सबसे पहले तो एटलस खोलें, एटलस में मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का जो मैप दिया है उसे खोलें। उसके बाद अब मध्य प्रदेश के बारे में हम इम्पोर्टेंट फैक्ट के बारे में जानने वाले हैं। तो सबसे पहले आप ब्रॉड मैप खोलें मध्य प्रदेश का, वहां पर मध्य प्रदेश के बारे में रफली पढ़ लें, ताकि आपको जगहों का नॉलेज हो जाए। क्योंकि अब जब जगहों का नॉलेज हो जाता है तो वहां से आपको ये फैक्ट याद करने में बहुत आसानी होगी। मैंने भी ऐसे याद किए थे, और दोस्तों इतना कोई टफ है नहीं। आप एक या दो तीन बार भी ये वीडियो देखेंगे तो आपको ये एग्जाम के लिए और आपकी कंठस्थ याद हो जाएंगे। सबसे पहले बात करते हैं राजधानी की, तो भोपाल यहाँ की राजधानी है। जनसंख्या घनत्व 236 प्रति वर्ग किलोमीटर है। वहीं लिंगानुपात 931 महिलाएं प्रति हजार पुरुष है। मुख्य भाषा हिंदी और उर्दू है। बात करते हैं उच्च न्यायालय की, जबलपुर में है, और खंडपीठ इंदौर और ग्वालियर इन दोनों जिलों में है। कुल 52 जिले हैं। यहाँ पर विधानसभा सदस्यों की संख्या 230 है, राज्यसभा 10 और लोकसभा सदस्यों की संख्या 29 है। बात करें सीमाओं की, मैंने आपको मैप में बता ही दिया, लेकिन यहाँ पर भी बता दूं, उत्तर में उत्तर प्रदेश से सीमा लगती है, उत्तर पूर्व में और पूर्व में छत्तीसगढ़ से इसकी सीमा लगती है, दक्षिण में महाराष्ट्र से, और पश्चिम में राजस्थान और गुजरात से मध्य प्रदेश की सीमा लगती है। बात करें मुख्य खाद्य फसलों की, तो गेहूं, चावल, ज्वार प्रमुख खाद्य फसलें हैं। राजकीय पशु 12 सिंगा है, राजकीय पक्षी दूधराज है, और राजकीय दिवस 1 नवंबर को मनाया जाता है। बात करें राजकीय वृक्ष की, तो यहाँ का बरगद है। प्रथम मुख्यमंत्री रविशंकर शुक्ल हुए, प्रथम राज्यपाल पट्टाभी सीतारामैया है। प्रमुख नदियां नर्मदा, महानदी, ताप्ती, चंबल, केन, बेतवा, ये प्रमुख नदियां हैं। बात करते हैं मध्य प्रदेश के प्रमुख त्योहारों की, तो गणगौर, सुआटा, गंगा दशमी, हरेली, भगोरिया, मेघनाथ, रसनवा, काकेसार और सिंहस्थ, ये प्रमुख त्योहार आपको मध्य प्रदेश में मिलेंगे, जिसमें सिंहस्थ, भगोरिया, मेघनाथ और सुआटा, गणसौर, ये तो प्रमुख हैं, आपको किसी भी एग्जाम में देखने मिलेंगे। SSC की तो हर एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछा ही जाता है। प्रमुख खनिज उत्पादन की बात की जाए तो हीरा, लोहा और डोलोमाइट, ये प्रमुख खनिज उत्पादन आपको मध्य प्रदेश में मिलेंगे। अब बात करते हैं प्रमुख सम्मान या पुरस्कारों की, तो कालिदास सम्मान, तानसेन सम्मान, तुलसी सम्मान, जवाहरलाल नेहरू सम्मान, इसके अलावा लता मंगेशकर अवार्ड भी मध्य प्रदेश में दिया जाता है। ये भी आपको याद रखनी है, आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। कुछ और फैक्ट की बात करें तो दार्शनिक स्थलों में आपको 64 योगिनी मंदिर छतरपुर में देखने मिलेगा, लक्ष्मण खजुराहो मंदिर ये भी छतरपुर में है, कंदरिया महादेव का मंदिर छतरपुर में आपको मिलेगा, मदन महल जबलपुर में है, धार किला धार में है, और दोस्तों मान मंदिर मृगनयनी ग्वालियर में है। यहाँ पर ग्वालियर के किले को किलों का रत्न भी कहा जाता है। तो ये कुछ फैक्ट मांडू जैसे कि आपको दार्शनिक स्थल यहाँ पर मिलेगा, तो ये कुछ और दार्शनिक स्थलों की मैंने बात की है। अब बात करते हैं यूनेस्को साइट की, तो खजुराहो स्मारक को 1986 में यूनेस्को में शामिल किया गया था। बौद्ध स्तूप जो सांची में है, इसे 1989 में यूनेस्को साइट में शामिल किया गया था। भीमबेटका रायसेन में है, जो 2003 में यूनेस्को साइट बनी थी। अब बात करते हैं जनजातियों की, तो गौड़, भील, लंबाड़ी, बजारा, मुरिया, अंबुजाविया, ये प्रमुख जनजातियां आपको मध्य प्रदेश में मिलेंगी, जिसमें से गौड़, भील, लंबाड़ी, ये तो प्रमुख हैं आपके किसी भी एग्जाम में और आपके मध्य प्रदेश के स्टेट एग्जाम में तो पूछा ही जाएगा। अब बात करते हैं राष्ट्रीय उद्यानों की, तो आपको बता दें भारत में सबसे ज्यादा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में ही देखने आपको मिलेंगे। ये कुल राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में है, जिनमें कान्हा माधव पार्क, माधव राष्ट्रीय उद्यान, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, फौसल राष्ट्रीय उद्यान, पेच राष्ट्रीय उद्यान,
वन विहार राष्ट्रीय उद्यान, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, संजय राष्ट्रीय उद्यान, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान, ओमकारेश्वर राष्ट्रीय उद्यान, डायनासोर राष्ट्रीय उद्यान और कूनू राष्ट्रीय उद्यान, ये प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान आपको मध्य प्रदेश में देखने मिलेंगे। बात करते जलप्रपात की तो नर्मदा नदी पर जो जलप्रपात है उनकी बारे में, तो पहला भेड़ाघाट है, दूसरा दूधसागर है, तीसरा कपिलधारा, चौथा सहस्त्रधारा, पांचवा दर्दी, छठा सतधारा और सातवां भीमकुंड, ये सभी जलप्रपात आपको नर्मदा नदी पर देखने मिलेंगे। वहीं मध्य प्रदेश का नियाग्रा कहा जाने वाला चचाई जलप्रपात आपको बीहड़ नदी पर मिलेगा। चंबल नदी पर चूलिया जलप्रपात, पाताल पानी जलप्रपात बनाया गया है, मतलब है। किन नदी की बात करें तो इस पर पांडव जलप्रपात है। अब बात करते हैं लोक नृत्य की, तो बधाई, सैला, कांगड़ा, लहंगी, बार, गोचो, मटकी, भगोरिया, बरेली, सुगा और जावरा, ये प्रमुख लोक नृत्य आपको मध्य प्रदेश में मिलेंगे, जिसमें से बधाई, सैला, गोचो, मटकी, भगोरिया और सुगा, ये तो प्रमुख है, आपको याद ही कर लेने हैं। अब बात करते हैं बांध की, तो नर्मदा नदी पर कौन कौन से बांध बनाए गए हैं, तो इनमें से इंदिरा सागर बांध, गांधी सागर बांध, ओमकारेश्वर और बरगी बांध, ये बांध नर्मदा नदी पर बनाए गए। बेतवा नदी पर राजघाट और परीक्षा बांध बनाया गया है और केन नदी पर ग्रेटर गंगऊ परियोजना बनाई गई है, तो ये भी आपको याद रखने हैं, ये बांध भी आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब कुछ फैक्ट की बात कर लें तो सिंगरौली को कोयला राजधानी कहा जाता है। मध्य प्रदेश के कोयला की सबसे मोटी परत सिंगरौली में ही आपको देखने मिलेगी। नंदी की सबसे जो बड़ी प्रतिमा है वह कदरिया महादेव खजुराहो में स्थित है। सांची स्तूप की खोज 1818 में सर हेनरी टिलर के द्वारा की गई थी, तो ये भी कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट हुए आपको याद रखने हैं मध्य प्रदेश के बारे में। चलिए अब बात करते हैं छत्तीसगढ़ के बारे में, तो ये ब्रॉड लोकेशन आप देख पा रहे हैं छत्तीसगढ़ की, मैंने आपको पहले ही बताया, अब ब्रॉड मैप खोल एटलस में छत्तीसगढ़ का, वहां पर ऐसे स्टेट्स के बारे में दिया होगा, ज्योग्राफी के बारे में दिया होगा, तो उनको दोनों को सामने रखें तब ये वीडियो देखें, ताकि आपको एक ही बार में सारे फैक्ट सारे वन लाइनर याद हो जाएं। अब बात करते हैं यहाँ की राजधानी की, तो रायपुर छत्तीसगढ़ की राजधानी है। देश का 26वां जिला बना था रायपुर, 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश से अलग करके इसकी स्थापना की गई थी। जनसंख्या घनत्व 189 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। अब बात करते हैं लिंग अनुपात की, तो 991 महिला प्रति हजार पुरुष ये लिंग अनुपात है। मुख्य भाषा में हिंदी, छत्तीसगढ़ी और उर्दू प्रमुख भाषाएं आपको छत्तीसगढ़ में देखने मिलेगी। उच्च न्यायालय में बिलासपुर है और कुल यहां पर 28 जिले हैं। सीमाओं की बात करें तो उत्तर में उत्तर प्रदेश से, उत्तर पश्चिम में मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र से, दक्षिण पश्चिम में आंध्र प्रदेश से, पूर्व में उड़ीसा से और उत्तर पूर्व में झारखंड से इसकी सीमा लगती है, तो ये भी आपको याद रखने हैं। दोस्तों सीमाओं से रिलेटेड क्वेश्चन आजकल एग्जाम में आने लगे हैं। बात करें विधानसभा सदस्यों की संख्या की, तो 91 यानी 91 विधानसभा सदस्य आपको छत्तीसगढ़ में मिलेंगे। राज्यसभा सदस्यों की संख्या 5 है, लोकसभा सदस्यों की संख्या 11 है। राज्य के पशु वन भैंसा है, राज्य के पक्षी पहाड़ी मैना है और राज्य के वृक्ष की बात की जाए तो साल यहाँ का राजकीय वृक्ष। बात करें राज्य दिवस की, तो 1 नवंबर को छत्तीसगढ़ दिवस मनाया जाता है। प्रथम मुख्यमंत्री अजीत जोगी हुए थे, जिनका हाल ही में निधन हुआ है। प्रथम राज्यपाल दिनेश नंदन सहाय थे। बात करें नदियों की, तो महानदी, गोदावरी, नर्मदा और त्रिहंद, ये प्रमुख नदियां आपको छत्तीसगढ़ में मिलेंगी। बात करते हैं जलप्रपात की, तो चित्रकूट जलप्रपात इंद्रावती नदी पर है, ये आपको याद रखना। सतधारा जो जलप्रपात है वो भी इंद्रा नदी पर है, तो ये दोनों तो इम्पोर्टेंट हो गए। और एक बचा गुप्तेश्वरी बांध, ये दोस्तों जलप्रपात सबरी नदी पर है, तो ये भी आपको याद रखनी है। अब बात करते हैं मेलों के बारे में, तो रतनपुर का मेला बिलासपुर में लगता है, राजिम का मेला रायपुर में लगता है, तो दोस्तों राय से राजिम और रा से रायपुर, तो ये मेला आपको रायपुर में मिलता है। या दंतेश्वरी मेला ये भी लगता है और जो बस्तर में लगता है, तो आपको इन मेलों के बारे में भी याद रखना है। लोक नृत्य में बात की जाए तो गौर मारिया, तैथी, राउत, पंडवानी, कपालिक, सरहुल, सुआ और कर्मा, ये लोक नृत्य छत्तीसगढ़ में किए जाते हैं। राष्ट्रीय उद्यान में इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान, गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान, कांगेर राष्ट्रीय उद्यान और अचानक मार राष्ट्रीय उद्यान, ये प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान आपको छत्तीसगढ़ में मिलेंगे। अब बात करते हैं त्योहारों की, तो बस्तर दशहरा और माघी पूर्णिमा, ये त्योहार छत्तीसगढ़ में मनाए जाते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट है जनजातियाँ, तो यहाँ पर जो छत्तीसगढ़ में जनजातियाँ पाई जाती हैं वह दंतेश्वरी, मेघनाथ, गौड़, कमर, बिजवार, भैना, भदरा, खीरवार, भारिया, बैगा और धनबाद,
ये प्रमुख जनजातियां आपको छत्तीसगढ़ में देखने मिलेंगी। दोस्तों मैंने यहाँ पर 8 से 10 जनजातियां एक दो एक्स्ट्रा लेके ही चली हैं जो आपके एग्जाम में पूछी जाती हैं उससे ज्यादा, ताकि आपके एग्जाम से बाहर कोई भी क्वेश्चन यहाँ से कम बाहर ना जाए। अब बात करते हैं कुछ वन लाइनर फैक्ट की। तो दंडकारण्य का पठार और बस्तर का पठार आपको छत्तीसगढ़ में देखने मिलेगा। कोरबा एल्यूमिनियम हेतु प्रसिद्ध है। जन चौपाल कार्यक्रम की शुरुआत छत्तीसगढ़ में हुई थी, ये भी आपको याद रखना है। पहला गार्बेज कैफे हाल ही में अंबिकापुर में खोला गया है। चलती फिरती थाने का नाम अंजोर रथ थाना है। यह छत्तीसगढ़ का पहला चलता फिरता थाना है, ये भी आपको याद रखना। इसका नाम क्या है? अंजोर रथ। लेमरू में एलिफेंट रिजर्व बनाया जा रहा है। यहाँ के जो प्रथम मुख्यमंत्री अजीत जोगी थे, इनका हाल ही में निधन हुआ है, मैंने आपको बताया ही है। दोस्तों टिन में सबसे अग्रणी उत्पादक राज्य छत्तीसगढ़ है, ये भी याद रखना है। सर्वपुरी और सोमवंशी राजाओं का शासन छत्तीसगढ़ में देखने को मिला था, ये आपको इम्पोर्टेंट है, याद रखना है। हिस्ट्री से रिलेटेड है लेकिन इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो, जिसमें हमने बात की मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के इम्पोर्टेंट फैक्ट और वन लाइनर्स के बारे में। वीडियो आपको पसंद आता है तो लाइक कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हमारे चैनल स्टडी यूनिवर्स को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। दोस्तों मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, हैव अ नाइस डे।